हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पीजीबीबी का रिवीजन कर रहे थे। इट्स अ डिटेल्ड रिवीजन जहां पर आप काफ़ी सारी चीज़ें, इनफैक्ट अमेंडमेंट भी साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं फॉर 2024। अभी तक हमने क्या किया था, तो वी हैव अच्छा पहले सबसे पहले बताइएगा सेक्शन कौन कौन से आते हैं पीजीबीबी में। स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 28 टिल 44, और इसमें से हम मैक्सिमम सेक्शंस कर चुके हैं। कुछ लास्ट के सेक्शंस बचे हुए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, बट एट द सेम टाइम दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो। राइट, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। अच्छा, मैं बार बार रिवाइज आपको इसलिए कराता हूँ जिससे कि आपको देखिए, सबसे ज्यादा जो गलती हम लोग कर देते हैं, इनफैक्ट जो सीए स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो बस आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे का रिविजन करते ही नहीं है। तो ये सब बात जरूरी है। देखिए, हमारा कोर्स बहुत वॉल्यूमनस है, टेक्स्ट का ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स का भी, तो हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। आप इजिली क्लियर कर जाएंगे अगर आप उसको मैनेज करना सीख लेंगे। तो मैनेज कैसे किया जाता है कि जो चीज़ें आप पढ़े उसको बार बार उसको प्रैक्टिस में आते लाते रहें, उसको रिवाइज करते रहें। चाहे भले ही आपने फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर को 3 से 4 दिन दिए थे, बट अगर आप उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, सिर्फ उसको 30 मिनट्स 35 मिनट्स भी देंगे और रिवाइज करेंगे, तो जितना भी आपने वो 4-5 दिन में किया होगा वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। राइट, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर जब भी ये वीडियो शुरू करूँ तो साथ साथ में आपको रिविजन भी करा दूँ। अच्छा, एक और मुझे इंपॉर्टेंट बातें बतानी है आपको। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे rajatmogha.com, जो हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको MCQ का भी एक वहाँ पर आज आपको एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर MCQs करके मेन मेन्यू में ही MCQ आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो आप MCQ भी वहाँ पर ईजिली सारे MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज हैं वहाँ पर MCQ। ऑल्दो मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के पोस्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, बट विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज सारे चैप्टर्स के वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। एंड इट इज़ फ्री फॉर everyone, फ्री फॉर ऑल my स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वो मेरे गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा, नहीं, इट इज़ फॉर everybody। ठीक है, मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स भी इक्वली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे, चैप्टर वाइज MCQs देखिए और प्लीज़ उनको साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप चैप्टर रिवाइज करते हैं, प्लीज़ वो MCQ भी अटेम्प्ट करिए। और मैंने इनफैक्ट वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए हैं इन MCQs में। राइट, और आप मल्टीपल टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मैंने वहाँ पर नंबर ऑफ लिमिटेशंस भी नहीं लगाया कि कुछ आपकी लिमिट रहेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर सकते हैं। राइट, वेबसाइट आप लोग जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था रिवीजन। तो हम लोग पीजीबी भी पढ़ रहे थे, सेक्शन 28 से लेकर 44 तक हमारे सेक्शंस आते हैं। 28 चार्जिंग सेक्शन होता है पीजीबीपी का, बताता है कि कौन कौन सी इनकम हमारी पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। 29 कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नेट प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल अगर वो नेगेटिव है, लॉस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्टिंग करिए नेट प्रॉफिट एज अ पीएनएल अकाउंट और उसको नेगेटिव फिगर लिख दीजिएगा अगर वो लॉस है तो। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, अपने एक्सपेंसेस देखते हैं जो हमने पीएनएल में डेबिट किए हुए हैं। अगर वो एक्सपेंसेस 30 से लेकर 37 में कवर्ड होते हैं तो फिर इट्स ओके, बट कोई भी ऐसे एक्सपेंस है जो वहाँ पर अलाउ नहीं होना चाहिए वो हमने लिख रखा है, उसको वहाँ से हटा दीजिए, यानी कि ऐड बैक कीजिए। थर्ड स्टेप होता है इनकम की साइड देखना कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो दूसरे हेड में आती है, या फिर कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई भी इनकम हमारे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठी हुई है जिसको पीजीबी में नहीं होना चाहिए, अदर हेड में होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए, तो प्लीज़ वहाँ से उसको हटा दीजिए, यानी कि लेस करेंगे आप। और लास्ट स्टेप होता है आपकी इन्फॉर्मेशन देखना, जो भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है देखिए वो किसके बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में या इनकम के बारे में। राइट, अगर कोई इनकम के बारे में इन्फॉर्मेशन है और आपको लगता है कि वो सेक्शन 28 या 41 में कवर्ड होती है पीजीबीपी की इनकम है, तो प्लीज़ उसको अपने कंप्यूटेशन में ऐड करिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के बारे में है तो ये देखिए क्या वो एक्सपेंसेस सेक्शन 30 से लेकर 37 में अलाउड होना चाहिए। अगर अलाउड होना चाहिए और आपने नहीं किया हुआ तो उसको भी कंसिडर कीजिए, यानी कि उस एक्सपेंस को जब कंसिडर करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, यानी कि लेस कीजिए उसमें से। दिस इज हाउ यू विल डू योर कंप्यूटेशन। फिर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आया था जो सेक्शन 30 से लेकर 37 था, ऑलरेडी हमने इसका रिविजन कर लिया है अपनी लास्ट क्लासेस में। तो सेक्शन 30 होता है बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो आप अपनी बिल्डिंग बिजनेस में यूज करते हैं। 31 होता है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड रिपेयर्स और इंश्योरेंस। रिपेयर्स और इंश्योरेंस का खर्चा 31 में अलाउड है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और एक्सपेंसेस है लाइक रेंट ऑफ मशीन या रेंट ऑफ फर्नीचर, वो अलाउड होगा 37 में, क्योंकि 37 की अगर कंडीशंस फुलफिल हो गई तो वो वहां पर अलाउड होगा। करेक्ट, यहां पर सिर्फ रिपेयर्स और इंश्योरेंस है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का होता है, हमने डेप्रिसिएशन सीखा। WDV मेथड हम लोग नॉर्मली लगाते हैं, बट पावर जनरेटिंग के लिए SLM भी उनके पास ऑप्शन होता है, वो SLM लें या फिर WDV मेथड लें, बट यस, जो भी वो ऑप्शन चूज करते हैं फर्स्ट ईयर में वो कंटिन्यू रहता है उनके लाइफ टाइम तक। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है।
करेक्ट। डिफॉल्ट स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में मिलेगा, वो भी ऐसे एसएससी को जो मैन्युफैक्चरिंग एसएससी हैं, न्यू मशीन्स खरीदें, ब्रांड न्यू, सेकंड हैंड नहीं होने चाहिए और अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करें, व्हीकल्स के ऊपर नहीं मिलता। अच्छा कितना होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन? 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, राइट। अब ये कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के बारे में हमारा एक सेक्शन है 43(1) जो बताता है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है एसेट की, वो आज हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट। लिंक कर पा रहे हो आप लोग? उसके बाद अच्छा एक और चीज, अगर वो 180 डेज से ज्यादा यूज नहीं हुआ है, कम यूज हुआ 180 डेज से, तो उस केस में 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए होता है और बाकी रिमेनिंग 10% वो हम नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रीडेसेसर और सक्सेसर हो जाता है, तो फिर नंबर ऑफ डेज यूज बाय देम उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको बाइफरकेट करते हैं। बट इनकेस अगर कोई भी ऐसा असेट है जो सिर्फ सक्सेसर ने परचेज किया था, प्रीडेसेसर ने, जो पहले वाली एंटिटी थी उसने कभी यूज नहीं करा वो असेट, वो सिर्फ सक्सेसर ने ही यूज किया था, तो फिर उसका डेप्रिसिएशन को प्लीज अपोर्शन मत कीजिएगा, बिकॉज वो डेप्रिसिएशन तो सिर्फ सक्सेसर ही यूज कर रहा है, करेक्ट। आगे समझ में? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप लोग समझते हैं, ऐसा डेप्रिसिएशन जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, फिर हम इसका क्या करते हैं, ये हमारे दूसरे एड से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी, और अगर हम इस साल उसको सेट ऑफ नहीं कर पाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट आप ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूं, बट यस, हाँ अगर हम कोई पावर जनरेटिंग का असेट हमने खरीदा था और उसके बाद उसको बेच दिया, अगर उसको हमने बेच दिया तो आप देखते हैं जिसके ऊपर हम SLM बनाते थे, तो मैंने आपको नंबर लाइन बना के सिखाया था कि अगर आपने WDV से ज्यादा का बेचा है तो आपका प्रॉफिट है, तो WDV से ओरिजिनल कॉस्ट तक आपकी PGBP की इनकम आती है अंडर सेक्शन 41। बट अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा बेचते हैं फिर कैपिटल गेन आ जाता है, और यस अगर हमने WDV से कम वैल्यू का बेचा वो हमारा लॉस का एरिया होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, करेक्ट। और जो हमारा प्रॉफिट होता है WDV से ऊपर उसको हम बैलेंसिंग चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड मैं यूज करता हूँ, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज, दीज वर्ड्स आर ओनली यूज इन पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हमने देखा था सेक्शन 35, दो तरह की रिडक्शंस होती हैं, एक तो होती है इन हाउस रिसर्च और दूसरी होती है आउटसाइड रिसर्च। आउटसाइड रिसर्च की डिडक्शन असेसी को तभी मिलेगी अगर वो ऑप्शनल स्कीम चूज कर रहा है, तो अगर वो डिफॉल्ट स्कीम चूज कर रहा है तो आउटसाइड रिसर्च की डिडक्शन नहीं मिलती। कितनी होती है वो 100% ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, IIT को पैसा दिया है, नेशनल लेबोरेटरी को पैसा दिया है, या फिर आपने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज को पैसा दिया है तो अलाउड होता है 100%, बट उन्हीं लोगों को जो ऑप्शनल स्कीम फॉलो करते हैं डिफॉल्ट स्कीम के लिए नहीं अलाउड होगा। इट कुड बी सोशल साइंस रिसर्च ऑल्सो, इट कुड बी स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑल्सो, ठीक है। और जब हमने पैसा दिया था बस वो अप्रूव्ड होनी चाहिए वो जगह, बाद में अगर उसका अप्रूवल विड्रॉ हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज होती है इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च अगर आप न्यू स्कीम फॉलो करें यानी कि डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करें या फिर ऑप्शनल स्कीम फॉलो करें, पुरानी स्कीम फॉलो करें, दोनों ही केस में इन हाउस रिसर्च की डिडक्शन मिल जाती है, कैपिटल एक्सपेंसेस की भी और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की भी। कैपिटल एक्सपेंसेस की मिलती है डिडक्शन 100%, राइट, 100% ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस, बट यस ऑफ कोर्स लैंड की डिडक्शन नहीं मिलती है। इनफैक्ट अगर कोई भी एक्सपेंसेस हमने कमेंसमेंट से पहले की हैं, साइंटिफिक रिसर्च की बातें कर रहा हूं मैं, कमेंसमेंट से पहले किए हैं तो कितने साल तक हम लोग ले सकते हैं, लास्ट थ्री ईयर्स के एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस सारे ऑब्वियसली लैंड को नहीं लेते हैं हम लोग, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो बिफोर कमेंसमेंट वाले हैं वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ दो एक्सपेंसेस अलाउड हैं, सैलरी और रॉ मटेरियल, राइट। आफ्टर कमेंसमेंट वाले रेवेन्यू तो सभी अलाउड होते हैं, बट बिफोर कमेंसमेंट में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। और अगर साइंटिफिक रिसर्च वाला असेट आप अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो आपके ब्लॉक का पार्ट बन जाता है एट नेल वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर आप 100% रिडक्शन पहले से ले चुके थे, और फिर आपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर करा और बाद में कभी बेचा तो सिर्फ ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है जैसे कि आपने ब्लॉक पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा हो। दूसरी बात होती है कि अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च वाला असेट पहले वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था और आपने उसको डायरेक्टली सेल आउट कर दिया, यानी कि बिना ब्लॉक का पार्ट बनाए डायरेक्टली आपने बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, WDV तो आपकी जीरो आएगी क्योंकि 100% रिडक्शन आप पहले से क्लेम कर चुके हैं। जितना भी आपकी इनकम आ रही है WDV से ओरिजिनल कॉस्ट तक वो आपकी PGBP की इनकम मानी जाती है सेक्शन 41 में, और ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कैपिटल गेन आता है जो हम कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे सेक्शन 50 के। क्लियर है? मैं सारी चीज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इसका रिविजन कर चुके हैं, अब तो मैं आपको डबल रिविजन करा रहा हूँ। ओके, स्पेसिफाइड बिजनेस। अच्छा मुझे बताइए क्या सेक्शन 35(a)(d) स्पेसिफाइड बिजनेस होते कितने बिजनेस हैं? टोटल 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, या फिर कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस होता है, कोल्ड चेन फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, या फिर 2-star और अबव कैटेगरी का होटल होता है, या फिर हॉस्पिटल 100 beds और पूर वाला हॉस्पिटल होता है। तो इस तरह के हमारे पास 14 बिजनेसेस हैं, बट ये डिडक्शंस अच्छा किसके ऊपर लेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। जितना भी इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है
अपने असेट्स के ऊपर एक्सेप्ट, तीन असेट्स यहाँ पर नहीं लेते हैं। कौन कौन से नहीं लेते हैं? एक तो लैंड के ऊपर ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, गुडविल के ऊपर नहीं मिलता, और तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नहीं मिलते डिडक्शन। करेक्ट। तो ये होता है हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस का। अच्छा, क्या डिफॉल्ट स्कीम वाले लोगों को ये डिडक्शन मिल जाती है जो डिफॉल्ट स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं? क्या 35AD की डिडक्शन मिल जाती है? आंसर इज नो, उन लोगों को 35AD की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ऑप्शनल स्कीम के लिए होती है। करेक्ट, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपने अपना असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए परचेज किया था, 8 साल के बाद अगर आपने अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया किसी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 साल के बाद किया। बट 8 साल से पहले कर दिया तो जितना भी हम लोग ने आपको 35AD की डिडक्शन दी होगी वो हम वापस ले लेंगे। बट यस, जब हम वापस लेंगे, हम आपका डीम्ड डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ही आपकी इनकम बनाएंगे। याद आ गया ये वाली बातें? नेक्स्ट है 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होंगे। बट हाँ, अगर कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी दे दिया होगा, तो प्लीज अपने जितने भी एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उसको कंपेयर कीजिएगा 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, विच एवर इज लोअर, आप उतना अमाउंट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनकेस, वैसे आएगा नहीं, बट इनकेस अगर कंपनी एसएससी है, कंपनी एसएससी के लिए हम लोग देखते हैं, ये एमसीक्यू में शायद आ सकता है, कंपनी एसएससी के लिए हम लोग देखते हैं 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले उन दोनों में से जो भी हायर है उसको कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस से, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हमारा एलिजिबल अमाउंट बनता है, एंड दैट एलिजिबल अमाउंट शुड बी डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली ये हमारे एग्जाम में कैसे आता है, हमें एक पीएनएल अकाउंट दिया होगा, उसके डेबिट साइड में हमें कुछ खर्चा लिखा होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, तो उसमें से 1/5 तो उसी साल अलाउ कीजिएगा, 4/5 को ऐड बैक कर दीजिएगा। ओके, 35DDA सेम VRS एक्सपेंसेस 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होते हैं। सेक्शन 36 होता है अदर डिडक्शंस का। तो यहाँ पर हमने कुछ डिडक्शंस भी पढ़ी थी, जैसे कि आप अपने इंप्लॉयज के, उनके फैमिली मेंबर्स के हेल्थ इंश्योरेंस पे करें। बट प्लीज याद रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस अगर कैश में पे हुआ है तो अलाउड नहीं होता, इट शुड बी पेड बाय बैंकिंग बोर्ड। करेक्ट। दूसरी बात होती है बोनस और कमीशन टू इंप्लॉयज, अगर आपने पे किया है तो सेक्शन 36 में अलाउड होता है, सब्जेक्ट टू 43B। Employer contribution to provident fund या gratuity fund या other superannuation fund, but if they are approved, अगर वो approved हैं, statutory हैं, तभी allow करेंगे, otherwise allow नहीं करेंगे। और दूसरी बात होती है जो employer का contribution है वो आप इसको deposit करा दीजिएगा ROI की due date तक, क्योंकि इसके ऊपर भी section 43B के provisions भी लगते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, आपने कोई लोन लिया है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, या फिर डिबेंचर्स के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स के ऊपर भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से इंटरेस्ट आता है, रिडम्पशन वैल्यू माइनस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने भी ईयर्स के लिए वो बॉन्ड्स आते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी आपके, ये सारे इंटरेस्ट अलाउड होते हैं सेक्शन 36 में। बट अगर आपने इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट था उस पीरियड तक का जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हुआ, उस पीरियड तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, उसके बाद वाला इंटरेस्ट को आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर हो गया? और यस, अगर ये आपका इंटरेस्ट पेबल है किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या NBFCs को, तो ये अलाउड होता है सब्जेक्ट टू 43B, यानी कि इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI। हाउस प्रॉपर्टी वाला जो इंटरेस्ट था 24B, याद आता है? हाउस प्रॉपर्टी में NAV में से 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरिंग भी माइनस करते थे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय, वो इंटरेस्ट पे हो या नहीं हो वो ड्यू बेसिस पे अलाउड था। हाउस प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाता है, बट PGBP में अगर आपने इंटरेस्ट बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लिया हुआ है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट अलाउड होता है अगर उसका एक्चुअल पेमेंट हो गया हो अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI, तो इस साल अलाउड हो जाएगा। अगर पेमेंट नहीं करा तो इस साल अलाउड नहीं होगा। फिर किस ईयर में अलाउड होगा? 43B ये कहता है, फिर जिस भी ईयर में आप पेमेंट करोगे फिर उस ईयर में अलाउड होता है। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस का होता है। अच्छा, 36 में एक दो बातें और थी, बैड डेट्स वाली बातें आपको याद आ गई होंगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम याद आता होगा, बट पेंशन स्कीम में एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा है वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्म एक पार्ट। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड है अगर इस तरह का आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, यानी कि मेनली स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह लोगों के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में और आपने STT पे किया और आपने जब इसको बेचा तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम आती है, और हम कैपिटल गेन में देखते हैं ये STT जैसा खर्चा अलाउड नहीं होता। STT अलाउड होता है अगर ये आपका जो आपने शेयर्स वगैरह खरीद रहे बेच रहे हैं आपके बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला। ओके, सेक्शन 37 होता है जनरल डिडक्शन का, और आपको पता है कि मैक्सिमम ज़्यादातर जो डिडक्शन होती हैं वो सेक्शन 37 में अलाउड होती हैं। 37 ये कंडीशन बोलता है कि कोई भी एक्सपेंसेस जो 30 से लेकर 36 में कवर्ड नहीं थे, क्लियर है, 30 से लेकर 36 में वो कवर्ड नहीं थे। दूसरी बात,
वो अगर बिजनेस नेचर के एक्सपेंसेस हैं, वो अगर रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं और प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, तभी उस केस में आप ये एक्सपेंसेस अलाउड कर सकते हैं सेक्शन 37 में, राइट। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह कराया है तो वो अलाउ नहीं होता है। हम देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन अगर पॉलिटिकल पार्टी में करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे डिडक्शन के चैप्टर में 80GGB 80GGC दो सेक्शंस होते हैं कंपनी को नॉन कंपनी को जो मिलते हैं वो हम वहां पर देख लेंगे। प्रोपोर्शनल डिडक्शन सिंपल सेक्शन था, ठीक है, लॉजिकल है। अगर आपने कोई खर्चा किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे किया है किसी चीज का अपने बिजनेस से रिलेटेड और अदर पर्पज से रिलेटेड ऑल्सो, यानी कि आपने कोई ऐसा खर्चा करा है जो दो जगह पर जा रहा है, तो जितना बिजनेस रिलेटेड होता है सिर्फ उतना ही पोर्शन हम लोग अलाउ करते हैं, जो नॉन बिजनेस रिलेटेड होता है वो नहीं करते। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और पढ़े थे, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है बट ये वाले सेक्शन जब आते हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 14 डिडक्शंस नॉट अलाउड, अगर आपने इंडिया के बाहर या नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट पे किया है, रॉयल्टी पे किया है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे किया है, या इनफैक्ट एनी अदर टैक्सेबल अमाउंट पे किया जिसके ऊपर उस व्यक्ति का इनकम हो रही है, उसको इंडिया में टैक्स लग जाता है, अगर आपने उसको कोई ऐसा अमाउंट पे करा है प्लीज उसका TDS डिडक्ट कर दीजिएगा। डिडक्ट कब तक करना है आपको? प्रीवियस ईयर में उसको डिडक्ट कर लेना चाहिए, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, आप इसी ईयर में यानी कि अप टू 31 मार्च 2024 वो TDS डिडक्ट हो जाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, वो TDS जो आपने डिडक्ट किया है वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए ROI की ड्यू डेट तक। अगर ऐसा हो गया तो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो अलाउड है, वो आपका एक्सपेंस मान लिया जाएगा। बट अगर आपने कोई भी एक कंडीशन को ब्रेक कर दिया, या फिर TDS आपने प्रीवियस ईयर में डिडक्ट नहीं किया या डिपॉजिट नहीं कराया ROI की ड्यू डेट तक, उस केस में वो एक्सपेंस आपका हम 100% डिसअलाउ कर देते हैं। फिर हम बाद में क्या कभी अलाउ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपने इसको बाद में जब TDS डिपॉजिट कराएंगे तो उस केस में हम वहाँ पर आपको अलाउ कर सकते हैं। बट हम एक इसकी एक्सेप्शन भी जानते हैं, सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपने सैलरी आउटसाइड इंडिया पे करी है उसका भी TDS प्रीवियस ईयर में और डिपॉजिट करा दीजिएगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI। अगर आपने ऐसा कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ठीक है, वो सैलरी जो आपने आउटसाइड इंडिया पे करी है वो इसी साल अलाउड हो जाएगी। बट अगर आपने इसका लेट कर दिया, आपने इसका TDS डिपॉजिट लेट कराया या डिडक्ट नहीं करा है, तो जो सैलरी आपने पे करी है वो हम डिसअलाउ तो कर ही देंगे और बाद में आगे किसी भी ईयर में अलाउ भी नहीं करेंगे। अगर इसका आप टैक्स जमा भी करा देंगे ना TDS, तभी भी ये अलाउ नहीं होती है। करेक्ट, ये बात याद आ गई है आपको? ओके, फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी रेसिडेंट को पे कर रहे हैं विद इन इंडिया, आपको एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं जिसके ऊपर TDS के प्रोविजंस लगते हैं, जिसके ऊपर TDS के प्रोविजंस लगते हैं और आपने ये विद इन इंडिया भी पे कर रहे हैं और आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, या डिडक्ट तो किया बट ROI की ड्यू डेट तक आपने इसको डिपॉजिट नहीं कराया है, तो फिर हम आपका 30% डिसअलाउ कर देंगे, 30% डिसअलाउ कर देंगे। और हमने पढ़ा था 40a में कि अगर कोई इनकम टैक्स आपने एक्सपेंस दिखा रखा है या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इस तरह के एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, वो हम अलाउ नहीं करते हैं। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स अलाउ नहीं होता है, राइट। 40a2, रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करी है तो प्लीज इसको फेयर मार्केट वैल्यू पर ही करिएगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ये ज्यादा है तो इन एक्सेस ऑफ दैट फेयर मार्केट वैल्यू हम जितना एक्सेस है वो डिसअलाउ कर देते हैं। 40a3 कहता है कि एक दिन में आप मैक्सिमम किसी एक पार्टी को 10,000 तक की कैश में पेमेंट कर सकते हैं बेयरर चेक या क्रॉस चेक। बट अगर आपने इससे ज्यादा पेमेंट कर दी है कैश में बेयरर चेक से या क्रॉस चेक से, अकाउंट पे ही नहीं क्रॉस चेक, अगर आपने 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दी है किसी सिंगल पार्टी को, तो वो हम पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 11,000 पेमेंट कर दिया तो हम पूरा का पूरा 11,000 डिसअलाउ कर देंगे। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी गवर्नमेंट को या RBI को या किसी बैंक को पे कर रहे हैं तो डिडक्शन ले सकते हैं। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद रहे हैं बट किससे खरीद रहे हैं? फ्रॉम दैट प्रोड्यूसर, फ्रॉम दैट कल्टीवेटर, फ्रॉम दैट ग्रोअर। तो इन केस उससे अगर आप खरीद रहे हैं तो डिडक्शन हम अगर आपने 10,000 से ज्यादा की भी पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं उस केस में। या फिर अगर आप कोई ऐसी चीजें खरीदते हैं जो बनती हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एड ऑफ पावर, और आप किससे खरीद रहे हैं? जिस व्यक्ति ने वो चीजें बनाई हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं जो ऐसी चीजें बना रहा है जो विचार मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एड ऑफ पावर, तो हाँ ऐसा भी खर्चा कर सकते हैं 10,000 रुपीज से ज्यादा। अपने इंप्लॉयज को जो टेम्परेरी 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए किसी और जगह पर पोस्टेड है और उसका वहां पर बैंक अकाउंट नहीं है, उसको पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह की हमने कुछ पेमेंट्स करी थी तो यहाँ पर अब वो अलाउड होती है अगर 10,000 से भी ज़्यादा की हुई है तो। अच्छा, एक बार बताइए, ट्रांसपोर्टर को जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं उनको कितनी पेमेंट कर सकते हैं? अप टू 35,000 तक उनको अलाउड होती है। फिर हमने 43B करा था एक्सपेंसेस और इसमें एक अमेंडमेंट भी थी MSME वाली। 43B होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउड होते हैं ओनली ऑन ओनली पेमेंट बेसिस, अगर आपने उनकी पेमेंट कर दी है अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI। अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI अगर आपने पेमेंट कर दिया तो अलाउड होती है, अदरवाइज नहीं अलाउड होती।
तो जैसे हमने देखा था एनी टाइप ऑफ टैक्स और सेस पेबल टू गवर्नमेंट, ऑब्वियसली एक्सेप्ट इनकम टैक्स. फिर हमने दूसरा देखा था बोनस और कमीशन. फिर हमने तीसरा देखा था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और एनी अदर अप्रूव्ड प्रोविडेंट और एनी अदर अप्रूव्ड फंड्स. फिर हमने देखा था इंटरेस्ट पेबल टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज. फिर हमने देखा था कि अगर आप रेलवेज को पेमेंट कर रहे हैं, रेलवेज के एसेट्स यूज कर रहे हैं, आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज आपको आरओआई की ड्यू डेट तक वो पेमेंट हो जानी चाहिए. फिर हमने देखा था लीव एनकैशमेंट, राइट. तो ये सारी बातें हैं कि जिनकी पेमेंट हो जानी चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, तो इस साल अलाउड हो जाएंगे. अगर आपने पेमेंट नहीं कर की है तो वो इस साल डिसअलाउड हो जाते हैं. फिर कब अलाउड होते हैं? जब भी फिर उसकी पेमेंट होती है जिस भी ईयर में, वो फिर उस साल अलाउड माने जाते हैं. और इसमें एक अमेंडमेंट आई है, अगर आप एमएसएमई को पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई खर्चा किया एमएसएमई को और आपने ड्यू बेसिस पर वो खर्चा एक्सपेंस माना हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि आपने उसकी पेमेंट की या नहीं की है. कब तक देखते हैं? अब डिपेंड करता है कि आपका और उस एमएसएमई को जिसको आपको पेमेंट करनी थी, आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट है या नहीं है. अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट वो पेमेंट कर दीजिएगा जितने उसमें नंबर ऑफ डेज लिखे हुए हैं. बट हाँ, अगर वो नंबर ऑफ डेज 45 से ज़्यादा लिखे हुए हैं तो मैक्सिमम हम 45 ही लेते हैं. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसके अगले साल पेमेंट कर दिया बट विद इन 45 डेज, तो आपकी वो इसी साल अलाउड हो जाएगी ड्यू बेसिस पर. अगर आपने 45 डेज के बाद पेमेंट करी है नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी वो अलाउ नहीं होगी, राइट. अगर आपने उसकी पेमेंट प्रीवियस ईयर में कर दी है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में तो अलाउड हो जाएगी. बट अगर प्रीवियस ईयर के बाद कर रहे हैं और वो भी 45 डेज के बाद, तो फिर हम उसको उसी ईयर में अलाउ करेंगे जिस साल वो पेमेंट हुई है, इस साल अलाउ नहीं करेंगे. और दूसरी बात, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ये मैंने डिटेल में समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो प्लीज़ वहाँ पर जाके ये कंसेप्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. वो डिटेल में समझ लीजिएगा बिकॉज ये अमेंडमेंट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आप लोग सब जानते हैं जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कमिंग बैक, तो इन केस अगर हमारा वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है उस केस में वो हमारी एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे अगर हमने 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दी. अगर 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी है तो फिर वो अलाउ इस साल तो नहीं होंगे, फिर वो किस साल होंगे? जिस साल उसकी एक्चुअल पेमेंट हो गई. याद आ गई वाली बातें? ओके. फिर हमने लास्ट सेक्शन जो किया था लास्ट क्लास में डिस्कस, वो था सेक्शन 41 डीन बिजनेस इनकम. तो मैंने बताया था जैसे साइंटिफिक रिसर्च वाला असेट जब बाद में बेचते हैं, या फिर पावर जनरेटिंग वाला असेट आपने बेचते हैं और आपका प्रॉफिट होता है अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट, तो वो प्रॉफिट आपका पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है, डीम्ड बिजनेस इनकम. या फिर आपके बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं, या फिर कोई आपकी ट्रेडिंग लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपको क्रेडिटर्स को पैसे पे करने थे बट अब नहीं करने फॉर एग्जांपल वो पैसे पे, तो वो आपने क्योंकि पहले एक्सपेंस माना होगा, जब आपने वो क्रेडिटर से पैसा चीज़ें खरीदी होंगी तब आपने ड्यू बेसिस पर वो एक्सपेंस मान लिया. बट अगर फॉर एग्जांपल बाद में उस क्रेडिटर को आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो राइट ऑफ हो गया एक तरीके से, यानी कि वो लायबिलिटी खत्म हो गई है, तो आपकी इनकम बन जाती है अंडर सेक्शन 41. तो दिस वाज डीम बिजनेस इनकम. ओके, कुछ और सेक्शंस बचे हैं तो आज हम आगे के सेक्शंस कंटिन्यू करते हैं. सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट का होता है. ये एक्चुअल कॉस्ट कहाँ पर काम आता है? क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप असेट खरीदते हैं उसके ऊपर आप मेनली डेप्रिसिएशन लगाते हैं या फिर कोई डिडक्शन ले लेते हैं 100% की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए, या फिर हमारा जो असेट है उसकी हम एक्चुअल कॉस्ट क्या लें अगर हमें कोई डिडक्शन उसके ऊपर लगानी होती है. तो सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट का सिंपल ये कहता है कि जितने भी आपका इस असेट को खरीदने में खर्चा हुआ है अप टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो जब तक आपने इंस्टॉलेशन किया है आपने, तो जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन खरीद के लेकर आए हैं और फिर उसके ऊपर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन का खर्चा किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन का खर्चा भी उसमें ऐड कर लीजिएगा. और इनकेस अगर आपने इसके ऊपर कोई लोन लिया है, तो जब तक वो पुट टू यूज़ नहीं होता, ये बात हमने सेक्शन 36 में भी पढ़ी थी, जब तक वो पुट टू यूज़ नहीं होता वहाँ तक के खर्चे भी उसके कैपिटलाइज ही होंगे, राइट. और यस, अगर उसके ऊपर कोई टैक्सेस लगे हैं, जैसे कि आपने इंडिया से खरीदा है तो GST लगा है, या फिर आउटसाइड इंडिया से खरीदा है तो कस्टम ड्यूटी लगी है, तो उसको भी आप ऐड कर लेंगे, जितने भी टैक्सेस हैं वो ऐड कर लेंगे. बट हाँ, अगर आपको इस GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, एक तरीके से रिफंड मिल जाता है, ITC वे आप लोग समझते होंगे, आपने ऑलरेडी GST क्लासेस कर चुके होंगे, आप अपना GST पढ़ चुके होंगे, तो अगर इनकेस अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये बात समझ लीजिए कि जिस चीज़ का एक तरीके से आपको रिफंड मिल जाता है या ITC मिल जाता है उसको आप माइनस कर सकते हैं. अगर आपको उसका ITC नहीं मिलता है तो फिर आप वो माइनस नहीं करेंगे. और दूसरी चीज़, अगर आपने ये इंडिया के बाहर से खरीदा था तो उसके बाद जब आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो जितने भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर ये आपको एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है तो आप उसको भी ऐड कर देते हैं. बट हाँ, हो सकता है एक्सचेंज रेट की वजह से आपको फायदा हो जाए, आपकी कॉस्ट कम आ जाए, तो आप उसको एक्सचेंज रेट जितना भी फ्लक्चुएशन हुआ है वो प्लस माइनस आप कर सकते हैं,
राइट। तो सेक्शन 43 एक्चुअल कॉस्ट का ठीक ठाक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सिंपल सेक्शन है। अगर आप अपनी बुक से भी देखेंगे तो इफ़ यू कम टू दिस बुक पेज नंबर 5.20, और जैसे मैं बता चुका हूँ ये बुक आप इजीली अवेलेबल है, आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट, आप डाउनलोड सेक्शन में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट का बताते हैं कि जितना भी परचेज प्राइस है आपके इस असेट का, फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन खरीदी तो मशीन का जितना भी परचेज प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्सेस को आप इंक्लूड करिए, इंस्टॉलेशन फ्रेट इनवर्ड या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस जो भी आपने खर्चा किया है इसको लाने में या कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा किया है वो सब ऐड होगा, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, क्योंकि डेट ऑफ पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाता है, वो तो आप सेक्शन 36 में क्लेम कर सकते हैं, बट उससे पहले पहले का एक्सपेंस है अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज उसको कैपिटलाइज करेंगे। अगर आपको कहीं से एनी सब्सिडी मिल जाती है, कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट या कोई भी एनी अदर पर्सन, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट, अगर कोई भी आपका व्यक्ति कोई भी एनजीओ या कोई भी एनी अदर पर्सन अगर आपको सब्सिडी भी दे देता है उसकी, तो यानी कि आपकी कॉस्ट कम हो गई है, तो उसको आप लेस कर दीजिएगा। अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हैं, कोई भी ऐसा रिफंड हो रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक होता है कस्टम्स में, तो अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो आप नेक्स्ट लेवल पर करेंगे। तो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी उसको सिर्फ एक तरीके से रिफंड मान सकते हैं, तो जो भी ITC मिलता है या रिफंड मिलता है टैक्सेस का वो आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो गई है। लॉजिकली समझ रहे हैं ना, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकली समझा कीजिए चीजों। उसके बाद एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, अगर आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ गई है, अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट बढ़ गया है आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़े हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐड करें, अगर आपको फायदा हो रहा है एक्सचेंज रेट से तो लेस कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्चुअल कॉस्ट आती है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आपने कोई खर्चा करा है 10,000 रुपीज से ज्यादा का इन अ सिंगल डे तो वो आपका अलाउड नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर आपको MCQ में एग्जामिनर पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक बिल्डिंग थी जो पहले आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, अगर आपके पास एक बिल्डिंग थी जो पहले पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे और बाद में आपने इस बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाती है, तो जितना भी आपने जब भी बिल्डिंग परचेज की थी या कंस्ट्रक्शन कराई थी, जो भी आपकी वैल्यू थी उसको एज इट इज नहीं लेते हैं हम लोग, उसमें से डीम्ड डेप्रिसिएशन, हम ये मानते हैं कि अगर ये बिल्डिंग हम शुरू से अपने बिजनेस में यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन अब तक इस पर लग चुका होता, तो वो डीम्ड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तब आप उसको अपनी वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की वो बिल्डिंग थी, और आप उसको 3 साल के बाद अपनी उसको फैक्ट्री बना रहे हैं, उसको मान लेते हैं 3 साल के बाद, पहले वो पर्सनल पर्पस के लिए थी अब उसको फैक्ट्री बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि शुरू से अगर ये फैक्ट्री की तरह यूज हो रही होती तो कितना डेप्रिसिएशन लगता, तो 10% डेप्रिसिएशन लगता, राइट, और हम मेनली रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से लगाते हैं, तो आप क्या करेंगे 1 करोड़ के ऊपर 3 साल का जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न ऑन वैल्यू से लगाते हुए आइएगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 करोड़ के ऊपर 10%, राइट, 10 लाख रुपीज, फिर 90 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 90 लाख के ऊपर, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, तो रिटर्न ऑन 90 लाख के ऊपर 10% वो हो जाएगा 9 लाख, फिर आपके पास 81 लाख बचेगा, उसके ऊपर 10% 8,10,000, तो जितना भी आपका वैल्यू बचेगी वो आपको एक्चुअल कॉस्ट माननी पड़ेगी, राइट। कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बिल्डिंग परचेज करी थी फर्स्ट ईयर में, बट फर्स्ट ईयर वो जो यूज हुई थी वो 180 डेज से कम हुई थी, तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाइएगा, जैसे बिल्डिंग के लिए 10% आपने लगाया तो उसका हाफ कर लीजिएगा, करेक्ट, फर्स्ट ईयर हाफ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो शुरू से ही फैक्ट्री के लिए यूज होती तो फर्स्ट ईयर में तो 180 डेज से कम के लिए यूज हुई, तो उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगा लीजिएगा, वो आई बिलीव आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको एग्जामिनर एक चीज पर और कंफ्यूज करेगा, अब इसको स्टूडेंट्स का इंटरप्रेट कर लेते हैं कि सर जितना भी हम अपने पर्सनल असेट्स खरीदते हैं, जितने भी हम अपने पर्सनल असेट्स खरीदते हैं उसको फिर हम डीम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम उसको लेंगे, बट मैं आपको बता दूं ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 5 है सेक्शन 43(1) की, इतना याद नहीं करना, बट स्टिल प्रोविजन पता होना चाहिए आपको, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए आई है, वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। अगर कोई आपका दूसरा पर्सनल असेट था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई दूसरा पर्सनल असेट था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार थी, वो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख की खरीदी थी फॉर पर्सनल पर्पस, वो पर्सनल पर्पस 10 लाख की कार खरीदी थी और उसको 2 साल के बाद थर्ड ईयर में जाकर आप उसको अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो आप उसको प्लीज 10 लाख जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी वैल्यू पर उसको एक्चुअल कॉस्ट उसकी मानिएगा, जब उसको आप ब्लॉक में लेकर आए तो उसमें से डीम्ड डेप्रिसिएशन माइनस मत कीजिएगा, जैसे हमने बिल्डिंग में किया, सिर्फ बिल्डिंग में ही ये प्रोविजन है, लॉ सिर्फ बिल्डिंग के बारे में ही कहता है, और हम लोग जानते हैं हम कोई भी लॉ में अजम्पशन इस तरीके से नहीं लेते हैं,
ठीक है, अगर स्पेसिफिकली जब लॉ ने स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए बातें बोल दी हैं तो हम वो बिल्डिंग के लिए ही रूल लगाएंगे, राइट? तो बिल्डिंग अगर आप पर्सनल पर्पस के बाद उसको बिजनेस पर्पस के लिए लेकर आ रहे हैं तो डीम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही एक्चुअल कॉस्ट बनेगी, बट एनी अदर एसेट लेकर आ रहे हैं तो प्लीज कोई डीम डेप्रिसिएशन माइनस मत कीजिएगा, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसी को मानिएगा। आई अंडरस्टैंड कि वो पुरानी है चीज, बट फिर भी वो उसी वैल्यू पर आएगी, ठीक है? ओके, तो ये था 43(1) एक्चुअल कॉस्ट का। अब एक सेक्शन आता है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 40(b), रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। क्या पार्टनर्स अपने फर्म से सैलरी या अदर रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट वगैरह ले सकते हैं? द आंसर इज यस, ले सकते हैं। तो हम कितना मैक्सिमम अपने पार्टनर्स को अपनी इस फर्म से रेमुनरेशन दे सकते हैं उसकी बातें सेक्शन 40(b) करता है। सबसे वो पहले उस रेमुनरेशन को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उसको अलग रखिए, और अदर रेमुनरेशन को अलग रखिए। अदर रेमुनरेशन का मतलब होता है अगर फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, उन लोगों को सैलरी मिलती है, उनको बोनस मिलता है, उनको कमीशन मिलता है, या एनी अदर रेमुनरेशन मिलती है, उसको आप प्लीज अलग रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम क्यों पे करते हैं? हम इसलिए पे करते हैं क्योंकि पार्टनर ने हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, करेक्ट? अगर वो वर्किंग पार्टनर है या नॉन वर्किंग पार्टनर है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसलिए पे करते हैं ना कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, बट उसने कैपिटल तो इन्वेस्ट की है ना, तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सभी पार्टनर्स को अलाउ करते हैं, वेदर दे आर वर्किंग और दे आर नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर्स, डॉर्मेंट पार्टनर्स, कुछ भी नाम इसको इस तरीके का दे सकते हैं आप, बट येस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी के लिए अलाउड है, राइट? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उतना अलाउड होता है, बट मैक्सिमम 12% पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उतना अलाउड होता है, बट अगर पार्टनरशिप डीड में 12% से कम लिखा है फिर तो हम उतना ही अलाउ करेंगे। 10% लिखा है तो 10%, 9% लिखा है तो 9% अलाउ करेंगे, बट अगर पार्टनरशिप डीड में 12% से ज्यादा लिखा हुआ है तो हम मैक्सिमम 12% ही अलाउड। क्लियर है? कम लिखा है तो फिर हम कम ही लेंगे। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और 12% विच एवर इज लोअर अलाउड, ठीक है? अदर रेमुनरेशन के बारे में जानते हैं। अदर रेमुनरेशन जैसे सैलरी देना, बोनस देना, कमीशन देना, इस तरह का अगर अदर रेमुनरेशन हम अपने पार्टनर्स को देते हैं तो ये सिर्फ उसी पार्टनर को अलाउड है जो वर्किंग पार्टनर्स है। अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो हम उसको सैलरी क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब तो आप फालतू में अपना फर्म का टैक्स बचा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फर्म के ऊपर 30% टैक्स रेट लग जाता है, तो लोग अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी सैलरी नॉन वर्किंग पार्टनर्स को भी देना चाहेंगे कि भैया उसको भी दे दो, ये हम लोग जितना डाइवर्ट कर सकें इस इनकम को उतना डाइवर्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो सैलरी बोनस कमीशन या अदर रेमुनरेशन देते हो अदर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी लोगों के लिए अलाउड है, अदर देन अदर रेमुनरेशन सिर्फ अलाउड है वर्किंग पार्टनर्स के लिए, और इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है, इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है। सबसे पहले अपने बुक प्रॉफिट्स निकालिए। बुक प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? बुक प्रॉफिट्स होते हैं कि पीजीबीपी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म निकाल दीजिए, कि पीजीबीपी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कितनी है। जैसे कि आप उसको फर्म ना मान के एक इंडिविजुअल मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, यानी कि इंडिविजुअल जब आप मानेंगे तो जितना भी आपने एक्सपेंसेस ओनर्स को दे दिया हुआ होगा वो सब एड बैक कर देंगे, राइट? जितना भी आपने एक्सपेंसेस ओनर्स को दे रखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू पार्टनर्स है, ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स। तो जितना भी आपने पार्टनर्स को सब कुछ दिया हुआ है वो एड बैक कर दीजिए, और बाकी जो आप अपना सेक्शन 30 से लेकर 37 के डिडक्शन जो अलाउ करते हैं वो सब अलाउ कीजिए। मतलब नॉर्मल पीजीबीपी निकाल दीजिए फर्म का, जैसे कि आप एक इंडिविजुअल का निकालते हैं, जैसे कि बिफोर एनी इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब क्या कीजिएगा इसमें से, जितना सबसे पहले जब जैसे ही पीजीबीपी आ गया नॉर्मली बिफोर अलाउइंग कोई भी रेम्यूनरेशन देने से पहले, कोई भी इंटरेस्ट देने से पहले पहले आप नॉर्मल पीजीबीपी निकाल दीजिए पार्टनरशिप फर्म का। उसमें से इंटरेस्ट जितना भी अलाउड होता है, यहाँ पर जैसे हमने देखा जितना अलाउड है इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड और 12% व्हिच एवर इज लोअर, वो अलाउ कर दीजिए, वो माइनस कर दीजिए। और दूसरी चीज जो आपको माइनस करनी है, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगर कोई पुराना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको भी माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पर बोला है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा, कोई बिजनेस लॉस नहीं बोला है मैंने यहाँ पर। तो अगर आपके कोई पुराने अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको भी माइनस कर दीजिएगा। इसको तीनों चीज, ये दोनों चीजों को माइनस करने के बाद हमारा आता है बुक प्रॉफिट, इसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट, ठीक है? तो जनरली कभी कभी क्या होता है अगर पुराना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है नहीं आपके क्वेश्चन में तो छोड़ दीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ अगर है
तो फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, और ये आ सकता है आपके एमसीक्यू में। याद रखिएगा, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रेशन इतना है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस इतने हैं, प्लीज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को माइनस मत कीजिएगा बुक प्रॉफिट निकालते समय, सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रेशन माइनस होता है, तो ये आपके बुक प्रॉफिट्स आते हैं। अब ये बुक प्रॉफिट्स कहां पर काम आएंगे, ये काम आएंगे इधर कि हम अपने वर्किंग पार्टनर्स को जो अदर रेमुनरेशन पे कर रहे हैं वो कितना पे कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बुक प्रॉफिट्स आ जाते हैं आपके फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपीज, तो फर्स्ट 3 लाख को अलग रखिए और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट अलग रखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 लाख आया तो 3 लाख और 1 लाख को अलग रखिए, यानी कि 3 लाख को अलग करना होगा। अगर आपके बुक प्रॉफिट्स ही 3 लाख आए तो फर्स्ट 3 लाख 3 लाख यहाँ लिखिए, यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट 0 बचेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बुक प्रॉफिट ही 2 लाख आया, कोई बात नहीं, फर्स्ट 3 लाख लेना था पर 3 लाख यहां से ले नहीं पाएंगे, तो जितना भी है हमारे पास प्रॉफिट्स वो ले लेंगे 2 लाख रुपीज और 0। अगर सर ये बुक प्रॉफिट 0 आ गए तो फिर क्या करेंगे, फिर तो 0 ही लेंगे, फिर तो कुछ ले नहीं सकते, राइट। अगर नेगेटिव आ गया तो फिर तो कुछ है ही नहीं, क्लियर है। बट इन्होंने कहा है जो फर्स्ट 3 लाख का बुक प्रॉफिट है उसको अलग कीजिए, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को अलग कीजिए। जो फर्स्ट 3 लाख का बुक प्रॉफिट है वहां पर आप कितना डिडक्शन दे, कितना रेमुनरेशन दे सकते हैं, 1,50,000 एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि 1,50,000 तो आप दे ही सकते हैं, 1,50,000 एक फिक्स्ड अमाउंट है। और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट्स, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर 3 लाख आया तो 3 लाख का 90% कितना होता है 2,70,000। तो 1,50,000 एक फिक्स्ड अमाउंट है और 2,70,000 वो आया 3 लाख का 90%, विच एवर इज हायर, यानी कि 270 की रेमुनरेशन तो आप इधर वाली ले सकते हैं। लेट्स से ये 4 लाख आया था तो आपने 3 लाख इधर लिखा और 1 लाख इधर लिखा, 3 लाख का 90% आता है 2.7 लाख और 1,50,000 विच एवर इज हायर यहां से आया 2.7, ठीक है, ये आया 2.7 विच एवर इज हायर। सेकेंड वाला जो रिमेनिंग था वो 1 लाख था, 1,60% आ जाता है 60,000 रुपीज, तो 270 + 60 3,30,000 की आप रेमुनरेशन दे सकते हैं उस केस में, राइट। लेट से आपका बुक प्रॉफिट आ जाता है 2 लाख, अगर बुक प्रॉफिट आपका 2 लाख आया तो इधर रखिए 2 लाख और इधर रखिए 0, क्योंकि वहां तो हम 3 लाख लेना था बट 3 लाख है नहीं तो हम 2 लाख ही रखेंगे। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 3 लाख का, यानी कि वहां पर तो सिर्फ 2 लाख आया, तो 2,90%, 2,90% कितना होता है 1,80,000 और 150 फिक्स अमाउंट है, इन दोनों में से विच एवर इज हायर कितना आया 180 और रिमेनिंग वाला तो 0 आया, 0 का 60% 0, इसका मतलब हम मैक्सिमम रेमुनरेशन अपने वर्किंग पार्टनर्स को 1,80,000 की दे पाएंगे, समझ में आ रहा है। और एग्जांपल में देख बता देता हूँ, लेट्स से आपका बुक प्रॉफिट आया था 0, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0 आ गया, ठीक है, फर्स्ट 3 लाख निकालना था बट 0 ही आया, रिमेनिंग तो ऑब्वियसली 0 है, तो यहां पर क्या देना है आपको, फर्स्ट 3 लाख का बुक प्रॉफिट सर 0 आए हैं वो तो ओके, 150 फिक्स्ड अमाउंट है और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट से 90% ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा ना, ठीक है जी। विच एवर इज हायर 150 और 0, विच एवर इज हायर 1,50,000 और रिमेनिंग बुक प्रॉफिट्स का 60% वो तो 0 ही है, वो 0 रहेगा, 150 और 0 1,50,000 यानी कि 1,50,000 की रेमुनरेशन फिर भी अलाउड है, आप उनको दे सकते हैं, ठीक है सर। 0 में से कैसे दे देंगे, अरे कोई बात नहीं, दे दीजिए लॉसेस आ जाए, कोई बात नहीं लॉसेस आ जाएंगे, क्लियर है सर। अगर ये नेगेटिव हो तो भी सेम आया, 150 तो आ ही जाएगा, नेगेटिव हो तो फर्स्ट बुक फर्स्ट 3 लाख तो ऑब्वियसली नेगेटिव या 0 ही होगा, ठीक है, रिमेनिंग 0 ही होगा, फिर भी 1,50,000 फिक्स्ड अमाउंट है और नेगेटिव का 90% लेंगे वो तो बहुत कम वैल्यू आएगी, विच एवर इज हायर 150 तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1,50,000 तो एक तरीके से हम रेमुनरेशन दे ही सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 44AA मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का, या फिर नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स भी बोलते हैं कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं अगर हम पीजीवीपी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमारा असेसी है वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है या किस तरह का प्रोफेशन कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि आप, हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं या नहीं करने हैं, वो डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं। वो भी कौन से प्रोफेशन देखते हैं, हम लोग नोटिफाइड प्रोफेशंस देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पूछते हैं क्या आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं क्या, फिल्म आर्टिस्ट हैं क्या, क्या आपका कोई आईटी इंजीनियर हैं क्या, या फिर आप कोई लॉयर हैं क्या, फिल्म आर्टिस्ट हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं,
तो अगर आप एक नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, तो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लीगल प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, आईटी प्रोफेशनल और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। दोबारा से बोलता हूँ, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स में आएगा लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल, लीगल मतलब लॉयर, मेडिकल मतलब डॉक्टर्स, लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आ जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी अलग से लिखा हुआ है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, आईटी प्रोफेशनल्स और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशंस कैरी कर रहे हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हमेशा बनानी ही पड़ेंगी। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशंस कैरी कर रहे हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है, बनानी ही पड़ेगी, कम से कम इतनी मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी जिससे कि एओ आपकी इनकम को असेस कर सके। और दूसरी बात, मतलब कि नोटिफाइड प्रोफेशंस को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी ही बनानी है, करेक्ट। और हाँ, अगर आपका लास्ट थ्री ईयर्स की जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे पहले के जो तीन साल हैं, अगर आपका टर्नओवर, जिसको हम ग्रॉस एसेट्स भी बोल सकते हैं प्रोफेशन के केस में, अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा की थी ऑल थ्री ईयर्स, पिछले तीनों साल का, यानी कि तीनों साल पर टिक लगने चाहिए, कहीं पर भी क्रॉस लग गया फिर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। कंडीशन तो अब सेटिस्फाइड होगी जब ऑल थ्री ईयर्स की 1.5 लाख से ज्यादा है ग्रॉस इनकम या ग्रॉस रेसिट्स मतलब टर्नओवर एक तरीके से कह सकता हूं मैं। प्रोफेशंस के लिए जनरली हम ग्रॉस रेसिट्स बोलते हैं। अगर लास्ट थ्री ईयर्स का 1.5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि नोटिफाइड प्रोफेशनल को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही करनी है, और साथ साथ में अगर आपका लास्ट थ्री ईयर्स की ग्रॉस रेसिट्स, ऑल थ्री ईयर्स की ग्रॉस रेसिट्स 1.5 लाख को एक्सीड करती थी, तो उस केस में आपको फिर प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? कैश बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जनरल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जनरल लेजर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो आपने बिल्स इशू करे होंगे, उसकी ओरिजिनल कॉपी तो आपने कस्टमर को दे दी होगी, तो आपके पास कार्बन कॉपी होगी, तो कार्बन कॉपी ऑफ ऑल बिल्स जो 25 रुपीज से ज्यादा के हैं वो सारी कार्बन कॉपीज आपको रखनी पड़ेंगी। जो आपको बिल्स रिसीव हुए हैं, जो आपको ने बिल्स खर्चा किया होगा, तो आपको बिल मिला होगा, यानी कि आपके पास ओरिजिनल बिल होगा, जो भी बिल 50 रुपए से ज्यादा है वो आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं तो डेली केस रजिस्टर और इन्वेंट्री का भी आपको डिटेल्स, इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स जो आप यूज करते हैं अपने प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, वो भी आपको डिटेल रखनी पड़ती है। और कम से कम कितने पीरियड के लिए ये प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं? सिक्स ईयर्स के लिए मिनिमम आपको ये मेंटेन करनी पड़ती है, राइट। अब जो लोग प्रोफेशंस करते हैं, नोटिफाइड सारे प्रोफेशनल्स आते हैं यहाँ पे, यहाँ सिर्फ नोटिफाइड प्रोफेशनल, ये लोग जिनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको ही नोटिफाइड प्रोफेशनल्स बोला जाता है, ठीक है। अब बाकी जो अदर लोग अदर हैं, अदर में कौन आएगा? सारे बिजनेसेस अदर में आ जाएंगे। और इनफैक्ट जो अदर प्रोफेशनल्स हैं जिनको बारे में हमने यहाँ पर नहीं लिखा, उसके अलावा जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं और जो अदर बिजनेस कैरी करते हैं, ठीक है, बिजनेसेस सारे, ठीक है, ऑल बिजनेसेस एंड अदर प्रोफेशंस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है या नहीं है? देखो, इनके लिए तो जरूरी था, और अगर ये 1.5 लाख वाली तीनों साल की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ करना था। इन लोगों को बोला जाएगा कि आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है या बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं मेंटेन करने, क्लियर है। इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन तभी करने हैं, डिपेंड करता है अगर इनकी इनकम प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा चली जाए या टर्नओवर, इनके पास दोनों चीजें लगाई हमने। इनके लिए एक इनकम का क्राइटेरिया है, अगर आपका इनकम का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो भी आपको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अगर आपका इनकम का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो टर्नओवर का क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। एनी ऑफ द क्राइटेरिया फुलफिल अगर हो जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। बट अगर ना तो इनकी इनकम बहुत ज्यादा है ना ही इनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, दोनों क्राइटेरिया के आगे क्रॉस लग जाता है, ना तो सर हमारी इनकम बहुत ज्यादा है ना हमारी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो फिर इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। अब वो इनकम और टर्नओवर का क्राइटेरिया कितना है डिपेंड करता है क्या असेसी एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है या अदर असेसी है। तो अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ असेसी है उस केस में इनकम का क्राइटेरिया है 2.5 लाख से ज्यादा और टर्नओवर का है 25 लाख से ज्यादा, या तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की थी या फिर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा का था, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए देखना है। सर कब था? लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर से पहले वाला जो ईयर है उससे पहले वाले ईयर में या उससे पहले वाले ईयर में, यानी कि एनी ऑफ द लास्ट थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स,
सब लोग समझते हैं, किसी भी एक साल में देखो, अभी हमने नोटिफाइड प्रोफेशंस के लिए क्या पढ़ा था, ऑल थ्री इयर्स में आपका टर्नओवर मतलब ग्रॉस एसेट्स 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, उनके लिए हमने सिर्फ ग्रॉस एसेट्स की बातें की थी, मतलब टर्नओवर की बातें की थी। इन लोगों के लिए जो ऑल बिजनेसेस हैं एंड अदर प्रोफेशंस के लिए हम बातें कर रहे हैं, इनकम के लिए रिलेटेड भी और टर्नओवर के रिलेटेड भी। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आपकी इनकम जो लास्ट थ्री प्रीवियस ईयर है, देखो हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 23-24, तो हमारा क्लाइंट हमसे आगे ये पूछता है कि सर मैं क्या इस ईयर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूं या नहीं करूंगा। मान लेते हैं वो बिजनेस कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है उसके लास्ट थ्री ईयर्स में। तो लास्ट थ्री ईयर्स कौन से होंगे, प्रीवियस ईयर 22-23, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 20-21, ये लास्ट थ्री ईयर्स, ये तीनों लास्ट थ्री ईयर्स हैं। इसमें देखेंगे अगर तीनों साल में से किसी भी एक साल में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की थी, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, तो अगर किसी भी एक ईयर में 2.5 लाख से ऊपर की थी तो हम बोलेंगे आपके ऊपर इनकम का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। और मैं बता दूं अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए हम लोग लेते हैं 1.2 लाख, ठीक है, उनके लिए हम लोग लेते हैं 1.2 लाख इनकम का क्राइटेरिया। मान लेते हैं उसके तीनों साल में किसी भी ईयर में इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं थी, या फिर वो अदर पर्सन है तो 1.2 लाख से ऊपर नहीं थी, फिर आप टर्नओवर चेक कीजिए, क्योंकि कोई भी एक क्रिटेरिया सेटिस्फाइड हो जाए हम उसको बोल देंगे अकाउंट्स बनाने हैं तेरे को। फिर आप टर्नओवर चेक कीजिए, अगर इनकम का क्रिटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हो फिर टर्नओवर पर आइएगा, देखिएगा अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो लास्ट थ्री ईयर्स में से किसी भी एक ईयर का अगर 25 लाख से ऊपर का उसका टर्नओवर या ग्रॉस एसेट्स से ऊपर चले जाता है तो टर्नओवर का क्रिटेरिया सेटिस्फाइड होगा, फिर भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी थी। बट अगर लास्ट थ्री इयर्स का ना तो इनकम का क्रिटेरिया सेटिस्फाइड हुआ ना ही टर्नओवर का हुआ, फिर हम बोल देंगे बॉस आप आराम से बैठो, ठीक है, अपना बिजनेस करो, आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया? और अदरस इसी के लिए हम लोग लेते हैं इनकम के लिए 1.2 और टर्नओवर के लिए 10 लाख। समझ में आते हैं? और अगर फॉर एग्जाम्पल सर लास्ट थ्री ईयर्स, ये भी आप जानते हैं कि सर अगर लास्ट थ्री ईयर्स का फॉर एग्जाम्पल हमारा नया बिजनेस हो, लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, तो फिर एसएससी से पूछा जाता है क्या आपको लगता है कि आपकी इनकम या आपकी ग्रॉस एसेट्स उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगी ड्यूरिंग दिस ईयर, इसी प्रीवियस में, फॉर एग्जाम्पल इसी प्रीवियस में नया बिजनेस है, तो हम ये देखते हैं, हम ये पूछते हैं कि आपको लग रहा है कि आपकी इनकम या आपका टर्न ओवर उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, इफ इट इज लाइकली टू एक्सीड दैट लिमिट तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट कम से कम 6 साल के लिए आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी आपका एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है वहां से आपको 6 साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और बुक्स कहाँ पर रखनी होती है, आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर रखनी पड़ती है, जहां पर आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं वहां पर अपनी बुक्स रखिए। बट हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं तो आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेंगी। और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी थी और आपने नहीं की, यानी कि इस सेक्शन को कॉन्ट्रावीन कर दिया, तो 25,000 की पेनल्टी भी, 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी, राइट। हम इनके बारे में और पढ़ते हैं कि जो लोग एसएससी प्रिजम्पटिव स्कीम लेते हैं क्या उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे 44AD, 44ADA, 44AE वाले लोग क्या उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो जनरली उनको नहीं करने पड़ते बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, बट अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी नॉर्मल स्कीम में आना चाहता हूँ, तो उस केस में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ये बातें मैं आपको प्रिजम्पटिव के साथ बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है 44AB, ऑडिट ऑफ, हमें अपना ऑडिट कब कराना पड़ता है, इसको हम कहते हैं टैक्स ऑडिट। तो जो टैक्स ऑडिट होते हैं, सेक्शन 44AB काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए हम लोग एसएससी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि क्या वो बिजनेस कर रहा है या फिर वो प्रोफेशन कर रहा है। सर यहां पर जो प्रोफेशन लेने, क्या सिर्फ नोटिफाइड प्रोफेशंस लेने या सारे प्रोफेशन? यहां पे सारे प्रोफेशन आ रहे हैं। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए यहां पर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स थे, बट यहां पर ऑडिट के लिए सभी प्रोफेशन यहां पर आ रहे हैं। तो यहां पर डिपेंड कर रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं। प्रोफेशन के लिए अगर आपका क्योंकि ऑडिट कब होता है, जब ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद ऑडिट होगा, यानी कि वो प्रीवियस ईयर। देखो अकाउंट्स कब मेंटेन होते हैं, अकाउंट्स तो शुरू से मेंटेन होते हैं, जैसे ही साल शुरू होता है आप शुरू से मेंटेन करेंगे, तो वहां पर तो लास्ट थ्री ईयर्स लिए गए। बट यहां पर ऑडिट का क्रिटेरिया देखने के लिए सेम प्रीवियस ईयर देखा जाता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर एंड हुआ होगा तभी तो आप ऑडिट कराएंगे ना प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद। तो यहां पर देखा जाता है कि क्या जो हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, उस ईयर का टर्नओवर कितना, उस ईयर का टर्नओवर कितना, या प्रोफेशन है तो उनके लिए टर्नओवर का नाम देके हम लोग ग्रॉस एसेट्स बोल देते हैं। तो आपकी ग्रॉस एसेट्स कितनी है, तो अगर प्रोफेशंस वाले लोगों की ग्रॉस एसेट्स 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से एक्सीड करती है, तो इनको कंपलसरी हो जाता है कि इनको अपना टैक्स ऑडिट भी कराना है।
तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या कोई भी दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनका एनी प्रोफेशनल है यहाँ पर, अगर उनका ग्रॉस रिसेट्स मतलब उनका टर्न ओवर 50 लाख से ऊपर चला जाता है तो उनको ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाता है। बिजनेस वाले लोगों के लिए अगर उनका टर्न ओवर 1 करोड़ से, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर यहां पर टर्न ओवर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, जो बिजनेस कर रहे हैं अगर उनका टर्न ओवर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो भी उनको ऑडिट कराना होता है। बट यहां पर इनकम टैक्स ने ये बोला हुआ है कि अगर आपकी मेजरली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितना भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं यानी कि जो पैसे लेने और पैसे देने की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर मेजरली आपकी बैंकिंग मोड से हैं, बैंकिंग मोड से यानी कि अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से हैं, NEFT से हैं, UPI के थ्रू आपकी भीम, पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, यानी कि आप एक ट्रांसपेरेंट असेसी हैं, क्योंकि आपकी मेजरली ट्रांजेक्शन अगर बैंकिंग मोड के थ्रू हो रही है तो हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आपके लिए हम ऑडिट करने की जो कंडीशन है उसको रिलैक्स करते हैं। क्योंकि जनरली क्या किया गया, जनरली ये बोला कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तो 1 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं होता, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर चला जाता है तो उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। बट हम यहां पर इनकम टैक्स ने इनको एक रिलैक्सेशन दे दिया कि अगर आपकी मेजरली ट्रांजेक्शंस बैंकिंग मोड के थ्रू हो रही है तो हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। आपका इस केस में कितनी रिलैक्सेशन दे दी, बहुत ज्यादा अच्छी रिलैक्सेशन दे दी कि उस केस में अगर आपका मेजरली जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो बैंकिंग मोड से हो रही है, मतलब कैश आप यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा पैसे लेने और देने में, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट आपकी ज्यादातर कैश में नहीं होती है, तो हम आपके लिए टर्न ओवर की लिमिट 10 करोड़ बना रहे हैं, यानी कि जब आपका 10 करोड़ एक्सीड होगा तब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, उससे पहले आपको ऑडिट कराने नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, जब मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी मेजरली ट्रांजेक्शंस कैश में नहीं होनी चाहिए तो कितना अलाउड है, मैक्सिमम 5% यानी कि 95% और मोर आपकी ट्रांजेक्शन अगर बैंकिंग मोड से, 95% जो ट्रांजेक्शन है आपकी बैंकिंग मोड से है तो आपके लिए 10 करोड़ का क्राइटेरिया है कि 10 करोड़ के बाद ऑडिट कराइएगा। इसलिए आप काफी लोग मेनली बैंकिंग मोड के थ्रू ही पैसे एक्सेप्ट करने लगे हैं, पैसे जब पे करते हैं अपने फॉर एग्जांपल सब सप्लायर्स वगैरह को तो उनको भी वो लोग बैंकिंग मोड के थ्रू ही पैसे पे करते हैं, तो मेजरली लोग अब बैंकिंग मोड पर आने लगे हैं जिससे कि वो ऑडिट से बच पाए, तो उनके लिए 10 करोड़ के ऊपर जब जाएगा तब ऑडिट कराना है। तो ये कितना मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, मैक्सिमम जो आपके कैश में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो सिर्फ 5% होनी चाहिए, 5% कैश में, 95% बैंकिंग मोड के थ्रू। ठीक है, वो दोनों चीजें जितनी भी रिसिट्स आई हैं, जितने भी पूरे साल आपने पैसे लिए हैं उसका टोटल का 95% बैंकिंग मोड से होना चाहिए, मैक्सिमम 5% कैश में होना चाहिए। 5.5 हो गया तो फिर 1 करोड़ वाली लिमिट पर आ जाओगे। ठीक है, तो जितना भी पैसे आपको मिले हैं, जितनी भी रिसिट्स हुई हैं एंड जितनी भी पेमेंट, ऐसा नहीं कि सर मेरी रिसिट्स तो 100% बैंकिंग मोड से थी बट मेरी पेमेंट 6% कैश में थी, नहीं जी, दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, जितने भी पैसे आए जितने भी पैसे गए, यानी कि ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स, दोनों में एंड लगा हुआ बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। और हाँ, जो लोग प्रिजम्प्टिव स्कीम लेते हैं, जो 44AD 44AE या 44ADA में आते हैं, उन लोगों के लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बातें मैं आपको प्रिजम्प्टिव के साथ कराऊंगा। ठीक है, तो असेसी ऑप्टिंग प्रिजम्प्टिव स्कीम, उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ऑडिट किससे कराना होता है, आपको पता है प्रैक्टिसिंग, हम लोग इनका ऑडिट करते हैं, यानी कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके ऑडिट करते हैं, और ये ऑडिट रिपोर्ट आपकी, क्योंकि जब ऑडिट होता है तो इनके लिए ड्यू डेट हो जाती है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, जैसे 31 अक्टूबर 2024 हो जाएगी। इनको ऑडिट कब कराना है सर, इस डेट तक फिर कराना होगा, नहीं, इससे एक महीने पहले पहले इनको ऑडिट करा लेना चाहिए, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक इनका ऑडिट हो जाना चाहिए, एक महीने पहले तक। और वो ऑडिट रिपोर्ट, वो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट इनकी फर्निश भी कर देता है इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, वो इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश कर देता है। तो ऑडिट ऑफ बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन और बिफोर 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ ROI, क्योंकि ऑडिट हो रहा है तो इनकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी, उससे एक महीना पहले पहले ये ऑडिट हो जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी फर्निश हो जानी चाहिए। ठीक है, और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका ऑलरेडी ऑडिट किसी दूसरे लॉ में हो रहा है, अगर आपका ऑलरेडी ऑडिट किसी दूसरे लॉ में हो रहा है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा, बट हाँ, एक रिपोर्ट लगानी पड़ती है उस केस में। तो अगर ऑडिट कंडक्ट अगर एनी अदर लॉ, देन टैक्स ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली रिपोर्ट टू बी सबमिटेड।
ठीक है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑडिट, अगर ऑडिट नहीं कराया तो कितनी पेनल्टी है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जितनी भी आपकी सेल्स है ग्रॉस एसेट से उसका 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, ये आपकी पेनल्टी है। अच्छा, अकाउंट्स मेंटेन ना करने की पेनल्टी क्या थी, 25,000 रुपए, 25,000 यहाँ पर पेनल्टी है, जितने भी आपकी सेल्स या ग्रॉस एसेट्स है उसका 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बातें आती है प्रिजम्प्टिव बेसिस की, और मैं आपको बता दूं ये 44AD और 44ADA में अमेंडमेंट भी है, ठीक है, अमेंडमेंट भी है, बहुत अच्छे से करनी है आपको, मैं आपको बताऊंगा। अब एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहाँ पर ही रखते हैं, एक घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, तो इसको यहाँ पर ही रखते हैं। ये बातें अब हम लोग प्रिजम्प्टिव बेसिस की छोटी सी बातें बची हैं, PGBP ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है इसका रिविजन, तो हमने जल्दी ही रिविजन, ऑल्दो थोड़ा सा मैंने डिटेल में कोशिश करी इसको बताने की, वैसे हम PGBP जब हम रेगुलर क्लास में करते हैं तो हम बहुत डिटेल में बातें करते हैं इसकी, हर चीज़ के बारे में जानते हैं जिससे हम लोग समझ सकें, बट फिर भी मैंने आपको इस रिविजन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ कम से कम टाइम में। ओके, तो ये बातें हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ MCQs अटेम्प्ट करते रहिए, आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, सभी लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।